क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर एक्स और डीएक्स है, इसका इंटीग्रेशन करना है, देखते हैं कैसे करना है इसको। तो सबसे पहले क्या करना है, ये ई टू द पावर एक्स यहाँ से कॉमन लेना पड़ेगा, पूरे में से नीचे बाहर निकालते हैं तो देखिए क्या बचता है यहाँ, या कॉमन ही लीजिए पहले तो समझ में आएगा आपका। ये ई टू द पावर एक्स आपने कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा, 1 अपॉन ई टू द पावर एक्स हो जाएगा और प्लस का ये 1 हो जाएगा इतना, और ये डी एक्स है आपका। ये ध्यान रखना चूंकि यहाँ ई टू द पावर एक्स नहीं है तो ऊपर नीचे जो मल्टीप्लाई करेंगे वो एक ऊपर वाला तो बाहर चला जाएगा, नीचे वाला बचा रहेगा यहाँ पे, और यहाँ ई टू द पावर एक्स था ही वो 1 हो गया। लेकिन इसको 1 अपॉन ई टू द पावर एक्स है, इसको अगर ऊपर ले जाएंगे तो ई टू द पावर माइनस एक्स हो जाएगा, और नीचे जो है वो ई टू द पावर माइनस एक्स है और प्लस का 1 हो गया और डी एक्स। अब क्या करना है, इसी को पुट करना है हमें, तो पुट करके क्या हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस 1 एज अ टी, तो ई टू पावर माइनस एक्स का ई टू द पावर माइनस एक्स हो जाएगा और एक माइनस भी आ जाएगा, और एक्स का डी एक्स हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा और यहाँ पे डी टी आ जाएगा। तो ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स कल टू कितना हो गया, माइनस डी टी हो गया। अब वैल्यू रख दीजिए इसमें, कितना हो जाएगा यहाँ पे, इसकी जगह तो डी टी हो गया और 1 अपॉन टी आ जाएगा और विद माइनस साइन आ जाएगा क्योंकि ये माइनस हो गया। 1 अपॉन टी का क्या होता है, लॉग टी होता है, सो लॉग टी लिख दीजिए और प्लस का सी हो गया, टी की वैल्यू रख दो, क्या है टी, ए टू द पावर प्लस 1 नीचे है और प्लस का सी हो गया, और यही आपका आंसर हो गया। तो इजी है, कुछ ज़्यादा नहीं है। इंटीग्रेशन है साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन है साइन टू द पावर 5x प्लस कॉस क्यूब एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन क्यूब एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस टू द पावर 5x, और पूरे का होल स्क्वायर है ये यहाँ पे स्क्वायर आपको दिखाई दे रहा पूरे का, तो पहले इसका मतलब ये अंदर वाले को थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलते हैं देखते हो सॉल्व करने के लिए क्या दिखता है हमें। ये इंटीग्रेशन हो गया, ऊपर वाले को कुछ मत करिए, तो साइन स्क्वायर एक्स है और कॉस स्क्वायर एक्स है और डी एक्स हो गया अपॉन, देखो क्या करने जा रहे हैं, ये साइन टू द पावर 5 है और यहाँ साइन क्यूब है, इन दोनों को पास पास लिख लेते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे यहाँ साइन टू द पावर 5x है और क्या है यहाँ पे साइन क्यूब एक्स है, राइट, और कॉस स्क्वायर एक्स है, क्लियर है ना इतना, और प्लस कॉस टू द पावर 5x है, इसके पास किसको लिख रहे हैं, क्यूब वाले को, क्या आ जाएगा यहाँ कॉस क्यूब एक्स हो जाएगा और साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा और इस पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं थोड़ा सा, ये तो हो गया साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स और डी एक्स अपॉन, इसमें से साइन क्यूब एक्स कॉमन आ रहा है, देखो ध्यान से, नहीं आ रहा है, साइन क्यूब एक्स कॉमन ले लिया तो क्या बचा यहाँ से, साइन स्क्वायर एक्स बच गया इतना, और प्लस यहाँ से कॉस क्यूब एक्स कॉमन ले रहा हूँ मैं तो क्या बचा, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बच गया इतना, और पूरे का ये होल स्क्वायर है ये। तो चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा, ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और डी एक्स, ठीक है इतना, नीचे रहा ध्यान से देखिए, ये तो 1 हो गया, क्या बच गया, बच गया इतना डी एक्स और इस पूरे का होल स्क्वायर है, ठीक है इतना। नीचे वाले को ही हम पुट करने की कोशिश करना चाह रहे हैं, नीचे वाले को पुट करने की कोशिश करना चाह रहे हैं, रुको जरा। अब यहाँ देखिए क्या है, यहाँ से कॉस कॉमन लेना है, कॉस क्यूब एक्स तो क्या बन जाएगा, ये यहाँ तो साइन स्क्वायर एक्स है, कॉस स्क्वायर एक्स है, डी एक्स है, लेकिन नीचे कॉस क्यूब एक्स कॉमन लेंगे तो इसका स्क्वायर भी कॉमन आएगा, तो कॉस टू द पावर कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। यहाँ क्या है, यहाँ तो कॉस है नहीं तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो ये क्या बन गया, 10 क्यूब एक्स बच गया और प्लस का 1 हो गया, ठीक है इतना।
तो यहाँ से तो एक तो पावर कैंसिल हो जाएगी, यहाँ कितने बच जाएगी, यहाँ देखो ये बच गया साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। और जो पावर कैंसिल हुई, टू पावर इससे कैंसिल हो गई, फोर बच गई, उसमें से एक तो कॉज स्क्वायर यहाँ रख लिया और एक और कॉज स्क्वायर कर दिया यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ क्या बचा हुआ है, ये टेन क्यूब एक्स प्लस वन, क्लियर है इतना, इसका भी होल स्क्वायर है। अब क्या हो गया, साइन अपॉन कॉज, ये तो टेन हो जाएगा, टेन स्क्वायर, और ये ऊपर जाकर के सेक स्क्वायर बन जाएगा। तो ये क्या हो गया, देखो ये हो गया आपका टेन स्क्वायर एक्स और सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और नीचे क्या बचा, ये बचा आपका वन प्लस टेन क्यूब, और पूरा हो गया नहीं है, इसका होल स्क्वायर है, ठीक है। तो अंदर वाले को पुट करना है हमें, ठीक है। तो देखो पुट करके दिखा रहा हूँ मैं, क्या करना है, वन प्लस टेन क्यूब एक्स एज अ टी, इसका क्यूब तो बाहर आ जाएगा, तो थ्री टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और फिर टेन स्क्वायर का करेंगे, टेन का करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और डी एक्स हो जाएगा इक्वल टू डी टी, और ये थ्री उधर नीचे चला जाएगा। तो क्या बन गया, ये टेन स्क्वायर एक्स हो गया, सेक स्क्वायर एक्स हो गया, डी एक्स हो गया इक्वल टू वन बाई थ्री डी टी, ठीक है इतना। तो ये क्या बन जाएगा आपका, देखो उस पूरे की जगह वन बाई थ्री आ जाएगा और डी टी हो जाएगा, और ये पूरा नीचे कितना हो गया, टी स्क्वायर हो गया, टी स्क्वायर को ऊपर ले जाइए तो कितना हो जाएगा, टी की पावर माइनस टू हो जाएगी, प्लस वन डिवाइडेड बाई माइनस टू प्लस वन, ठीक है, प्लस का सी हो जाएगा, कितना हो गया ये, हाँ माइनस का वन बाई थ्री हो जाएगा और वन अपॉन टी हो जाएगा। अब टी की यहाँ से वैल्यू रख देंगे, कितनी आ जाएगी वैल्यू, तो वही रखना है आपको, तो आंसर हो जाएगा कितना लिख दूँ यहाँ पे, माइनस वन बाई थ्री हो गया और यहाँ कितना आ गया, वन अपॉन टेन क्यूब प्लस वन आ जाएगा, और यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही करना था आपको, दिख रहा कि नहीं, चलिए देख लीजिए क्या करना है। इसमें ई टू द पावर एक्स से दोनों को डिवाइड कर दीजिए, डिनोमीटर को भी और न्यूमीटर को भी, तो ई टू द पावर टू एक्स हो गया अपॉन ई टू द पावर एक्स हो जाएगा, माइनस वन अपॉन ई टू द पावर एक्स हो जाएगा, क्लियर है इतना। ऐसा यहाँ पर ही हो जाएगा, ई टू द पावर टू एक्स हो गया अपॉन ई टू द पावर एक्स हो गया, और प्लस का वन अपॉन ई टू द पावर एक्स हो गया, और यहाँ पे डी एक्स चल रहा है, क्लियर हो गया। अब यहाँ एक पावर लेस हो जाएगी, तो ई टू द पावर एक्स बच गया, माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स बच गया, और यहाँ क्या बच गया, ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स और डी एक्स। नीचे वाले को पुट करना है आपको, क्या पुट करके आएगा, ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स एज अ टी, इसका ई टू द पावर एक्स हो जाएगा, इसका माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स होगा, होगा, और ये डी एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर डी टी हो जाएगा, राइट। अब ज़्यादा ध्यान से देखो तो ये पूरा का पूरा ऊपर दिया हुआ है, नीचे तो कितना हो जाएगा, ये डी टी अपॉन टी हो जाएगा, और इसका होता क्या है, लॉग टी हो गया, और प्लस का सी हो गया, टी की वैल्यू रख दो, कितनी है टी की वैल्यू, प्लस है ना, और प्लस का ये सी हो गया, और यहीं पे आंसर हो जाएगा, आई थिंक हो गया होगा। चलिए इंटीग्रेशन है ये, कॉस टू एक्स, कॉस फोर एक्स और कॉस सिक्स एक्स। इसमें क्या करना चाह रहा हूँ, पहले वन बाई टू करना चाह रहा हूँ, और यहाँ पे टू कॉस सिक्स एक्स को पहले ला रहा हूँ मैं, और कॉस टू एक्स हो गया, और इनटू क्या है, कॉस फोर एक्स और डी एक्स, यहाँ इसको क्लोज कर रहा हूँ। इसका फार्मूला चाहिए मुझे, टू कॉस ए कॉस बी का क्या फार्मूला होता है, कॉस माइनस
इसके साथ कॉस 4x dx हो गया, थोड़ा सही कर लीजिए इसको। 1/2 कितना आ गया यहाँ, कॉस 8x आ गया, ऊपर से कॉस 4x भी आ रहा साथ में, प्लस यहाँ कितना बचा, और एक कॉस 4x यहाँ आ रहा है, तो इसका स्क्वायर कर दो, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। चलिए इसमें फर्दर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये तो 1/4 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, हो गया। इसमें फर्दर फार्मूला लगाएंगे, आप बताएंगे अब, कॉस 8x प्लस 4x राइट है इतना, और प्लस का और भी कुछ है यहाँ मौजूद, 2 cos² 4x। इसका cos 2x वाला फार्मूला लगाइए जरा, cos 2x का जो फार्मूला होता है वो 2 cos² x - 1 होता है ना, तो 2 cos² x कितना हो गया, 1 cos 2x हुआ ना ये, तो इसी फार्मूला को यहाँ अप्लाई करके बताइए, तो 1 आ जाएगा, cos 8x हो जाएगा, क्लियर है इतना, और यहाँ dx है, थोड़ा और सही कर लीजिए इसको, क्या बन रहा है, तो 1/4 है, यहाँ बताएंगे cos 12x, और यहाँ cos 8 4x, ठीक है, प्लस 1 हो गया, और यहाँ cos 8x, ठीक है इतना, आगे मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए इजिली, अब 1/4 हो गया, इसका क्या होगा, अपॉन 12 हो जाएगा, यहाँ 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 पे, और प्लस सी, और आंसर हो गया, इजी हो गया फिर तो, और यहाँ ब्रैकेट जरा क्लोज जरूर कर देना यहाँ पे, क्योंकि यहाँ 1/4 और मौजूद है, ज़्यादा एलसीएम वगैरह लेना चाहो ले सकते हो, नहीं तो इसको यहीं आंसर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन है, sin³x cos³x का इंटीग्रेशन करना है, चलो देखते हैं इसको कैसे करते हैं, तो पहले इसके लिए फार्मूला आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले sin³x का फार्मूला जानना चाहूँगा, बताएंगे आप, होता है ये, इससे sin³x का फार्मूला निकाल दीजिए, तो इसको इधर ले आइए, तो 4 sin³x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 sin x हो जाएगा, और sin³x, क्लियर है इतना, इससे sin³ निकल जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, 3 sin x हो जाएगा, माइनस sin³x, क्लियर है इतना। सिमिलरली आपका cos³x भी आना चाहिए, क्या होता है ये, 4 cos³x है, माइनस जल्दी बोलो cos x, इससे cos³x निकालना चाह रहे हैं, तो 4 cos³x है, ये इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो cos कितना हो गया, 3x प्लस 3 cos x, क्लियर है इतना। अब यहाँ से cos³x निकाल दीजिए, कितना हो गया, 1/4 हो गया, कितना आ गया, ये दोनों वैल्यूज यहाँ डालनी चाह रहे हैं हम लोग, बताएंगे जरा क्या आएगा, बोलो 4 आ जाएगा, हाँ माइनस, और हो गया, ब्रैकेट तो एक जैसे लगे रह गए, और dx कहाँ लिखूँ मैं, dx लिख सकते हैं हम, क्योंकि इंटो में है सारा, तो ये 1/4 तो आगे ले लेता हूँ मैं, तो 1/16 हो गया, ठीक है ना,
बाकी ध्यान से देखो तो ये मल्टीप्लाई चल रही है, तो मल्टीप्लाई तो करनी पड़ेगी, बस तो पाओगे नहीं। हाँ ये a माइनस बी है और ये a प्लस बी है अगर ध्यान से देखो, लेकिन वो सेम नहीं है। ऐसा कुछ हो जा रहा है क्या? आई थिंक कि नहीं हो रहा है। बंद करना बेटा जरा। अब मल्टीप्लाई जरा ध्यान से करना, आप इसकी मल्टीप्लाई पहले इसके साथ करनी पड़ेगी। बोलोगे आगे, इसके इसके साथ कर रहे हैं आप, 9 ठीक है, इसके इसके साथ ठीक है, अब इसके इसके साथ राइट हो गया। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, और यहाँ डी एक्स चला आ रहा है हमारा। अब देखो जरा क्या हुआ, इसको हम 1/32 करना चाह रहा हूँ और 2 से मल्टीप्लाई भी करना चाह रहा हूँ, चलें। सो 1/ इसको 32 कर दीजिए, क्या बन गया यहाँ पे, 3 तो है ही है, अब 2 हो जाएगा। इसको cos 3x लिख दो, sin x लिख दो फॉर्मूला बनाने के लिए, और प्लस का 9 अलग हो गया और ये 2 sin x हो गया और cos x हो गया, राइट। इसके बाद यहाँ भी देखिए माइनस का कितना हो जाएगा, 2 sin 3x, और माइनस यहाँ पे 3 into 2 sin 3x और cos x, ठीक है इतना, और dx चल रहा है इसके साथ में, यहाँ से चल रहा था, यहाँ इंटीग्रेशन चल ही रहा है आपका। तो 1/32 है इंटीग्रेशन है। अब इसमें फॉर्मूला लगाना है 2 cos a sin b का, याद है? हाँ बोलो क्या होगा। माइनस क्लियर हो गया इतना, कहाँ तक हो चुका है, यहाँ तक हो चुका है, प्लस ये 9 है, साइन 2x हो गया आ गया ये वाला, अब ये साइन 6x हो गया, देखो ध्यान से, माइनस का ये बच गया 3, कितना होगा ये, माइनस नहीं होगा प्लस होगा, हाँ हो गया, और साथ में ब्रैकेट बंद करके डी एक्स भी है, ठीक है ना। चलिए अब और सही करवाइए, 1/32 हो गया। अब जो बच गया वो दिखाइए क्या है, साइन 4x माइनस साइन 2x, क्लियर हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया। चलिए अब इंटीग्रेशन केवल करना रह गया है, बताओगे कितना आएगा, कौन सा कोई कट रहा है क्या, मुझे तो कुछ नहीं कटता दिख रहा है, आपको दिखा तो बता देना। पहले यहाँ चलते हैं, इसको क्या होगा, इसका कॉस में लिखो, अपॉन 4 हो जाएगा विद माइनस साइन होगा, राइट, ऐसे ही माइनस को प्लस कर देगा, कॉस 2x अपॉन 2 हो जाएगा, प्लस इसका प्लस नहीं यहाँ भी माइनस ही रहेगा, 9 cos 2x अपॉन 2 यहाँ प्लस हो जाएगा, cos 6x अपॉन 6 माइनस यहाँ पे, माइनस cos 4x अपॉन 4 माइनस sin cos 2x
हो गया। तो ये आपका आंसर है। ज़्यादा ज़्यादा इसको सॉल्व करके कॉस 2x वाले साइन 4x वाले सब इकट्ठे कर सकते हो, बस इतना कर सकते हो इसको, बस और कुछ नहीं। जैसे कॉस 4x है यहाँ पे, कॉस 4x वहाँ भी है, क्या कैंसिल हो सकता है क्या? है पूरा कैंसिल, काट दीजिए इसको अगर ज़रूरत पड़ती तो। आपको और कहें कॉस 2x अपॉन 2 है, ये प्लस का है वो माइनस का, काट दें इसको भी। ये और कोई और तो नहीं कोई कट रहा है? नहीं कट रहा तो हो जाना चाहिए, यही आएगा ना फिर तो। तो इसको लिख दीजिए 1/32, कितना बचा यहाँ से cos 6x अपॉन 6 और माइनस 9 cos 2x अपॉन 2 हो गया, इतना कर दीजिए। अब ज़्यादा एलसीएम वगैरह लेना चाहो तो कर दो, नहीं तो यही आंसर कर दो, मेरे ख्याल से सही है। चलिए ठीक है, यहाँ पर ये टर्म्स भी कटने नहीं थी, ये माइनस है तो यहाँ भी माइनस है तो ये प्लस का हो जाएगा, और यहाँ पर भी आपका ये प्लस का ही दिख रहा है तो ये वाली टर्म्स नहीं कटेगी बच्चों, ध्यान रखना। कितना है cos 2x अपॉन 2 है, तो अब सही कर लेते हैं जरा। तो यहाँ पे 1/32 है, यहाँ कितना आ गया, ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये और वो दोनों ऐड करके तो बाई 2 हट जाएगा, केवल 6 बच जाएगा। तो क्या लिखेंगे, 6 cos 2x बच जाएगा, क्लियर। और क्या बचा, ये 9/2 बच गया, cos 2x हो गया, और प्लस 1/6 हो गया, cos 6x हो गया। अब ठीक है, ये आंसर कर दो, प्लस सी तो जरूर जोड़ लेना भाई, इसको भूलना नहीं, सी मत भूलना, सी जरूर लगाना है आपको। चलिए हो गया आंसर ये। यहाँ पर अभी 2 भी छूट गया हमारा, तो 2 करके इसको कैंसिल कर देंगे, 3 आ जाएगा और ये आंसर हो जाना है आपका, तो इसको सही कर लेंगे। ये है इंटीग्रेशन 1-cos x अपॉन 1+cos x। तो यहाँ पर जो है cos x के कुछ फॉर्मूले हैं वो देख लीजिए जरा। cos x के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, पहला होता है cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, दूसरा होता है 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1, और तीसरा होता है 1-2 साइन स्क्वायर x बाई 2 होता है, चौथा भी होता है लेकिन उसे नहीं रखना है मुझे। इसमें से ये दोनों फॉर्मूले यूज़ होंगे जिससे कि 1 कैंसिल हो जाए, तो चलिए देखते हैं। 1-, यहाँ पे यूज़ करना है कौन सा है, ये साइन वाला, यानी कि 1+ हो जाएगा 2 sin² x/2, और नीचे क्या हो जाएगा 1+ इसका 2 cos² x/2-1 हो जाएगा इतना। यहाँ 1 से 1 कट गया, ये भी 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 से भी कैंसिल हो जाएंगे। अब ये कितना बच गया, साइन अपॉन कॉस, तो 10² हो जाएगा, और dx 10² x/3 क्या हो जाएगा, ये sec² x/2 हो जाएगा, और माइनस का 1 हो जाएगा, और dx हो जाएगा, इतना ठीक है। अब sec स्क्वायर का पता है आपको क्या होता है, 10x हो, ठीक है, और नीचे में 1/2 और आ जाएगा, और माइनस का x हो जाएगा, इसको सही कर लीजिए। कितना हो जाएगा, 2 हो गया, एक्स बाई 2 हो गया, और माइनस x प्लस सी और हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान रखना, प्लस सी, और ये आंसर हो गया। चलो बेटे रुको, चलिए इंटीग्रेशन है cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपन cos x माइनस cos अल्फा और dx। तो इसमें लगाना फार्मूला cos c माइनस cos d का लगाना चाह रहा हूँ पहले, तो सबसे पहले 2 साइन आ जाएगा, और साइन के साथ जो है उल्टा सीधा होता है, इसके अंदर बताएंगे क्या होगा, 2 अल्फ़ा पहले प्लस लिखिए, 2x/2 हो जाएगा, और फिर इसके बाद दोबारा साइन हो जाएगा, और 2 अल्फ़ा-2x/2 हो जाएगा, ऐसे नीचे भी होगा, कितना हो जाएगा, 2 sin कितना, α+x/2 हो जाएगा, और साइन α-x/2 हो जाएगा, और ये dx हो जाएगा, राइट। अब देखते हैं क्या बचता है, ये 2 तो 2 कैंसिल ही हो गया, ठीक है,
चलो देखते हैं क्या होता है। यहाँ से टू कॉमन हो जाएगा तो लग जाएगा, यानी साइन कितना हो गया, ये हो जाएगा, और एक और हो गया साइन कितना, और नीचे क्या बचा, हो जाएगा। अब इसमें ध्यान से देखना, इनका फॉर्मूला साइन के हाफ एंगल वाला खोलना चाह रहे हैं हम इसको। तो ये तो dx हो गया, चलिए जरा बताइए क्या होगा, इसका हाफ एंगल का फॉर्मूला खोलेंगे तो 2 साइन अल्फा प्लस एक्स बाई टू हो जाएगा, कॉस अल्फा प्लस एक्स बाई टू हो जाएगा, ठीक है इतना। सिमिलरली इसका भी हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 साइन अल्फा माइनस एक्स बाई टू हो जाएगा, और इसके साथ कॉस आएगा कितना, अल्फा माइनस एक्स बाई टू हो जाएगा, राइट है। नीचे क्या बचा है, साइन ऑफ अल्फा प्लस एक्स बाई टू है, और साइन ऑफ कितना है, अल्फा माइनस एक्स बाई टू है, क्लियर है इतना। साइन ए का फॉर्मूला खोला है भाई, सिंपल सा हाफ एंगल वाला, कितना है, टू साइन ए बाई टू होता है और कॉस ए बाई टू होता है, यही तो होता है फॉर्मूला, वही यूज़ किया है इसमें और कुछ नहीं किया है, बाई टू लगा के निकाल दिया हमने। लेकिन उसका फ़ायदा ये हुआ कि ये वाला पोर्शन तो कैंसिल हो गया इससे, इधर से ये भी पोर्शन कोई सा कैंसिल हो रहा होगा, ये वाला, ये कॉस स्क्वायर बन गया, और उसमें भी टू कॉस स्क्वायर बन जाएगा, एक टू बाहर ले ले रहा हूँ, राइट है या नहीं, टू कॉस स्क्वायर कितना हो गया, अल्फा माइनस है ना एक तो टू कॉस कितना लिखो यहाँ पे, अल्फा प्लस एक्स बाई टू हो गया, और क्या बचा, ये टू क्यों, एक टू यहाँ, एक टू यहाँ है, एक टू यहाँ चला गया कि यहाँ टू है, डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा रोकना बेटा, ये फॉर्मूला टू कॉस ए कॉस बी का है, तो कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी लग जाएगा, तो यहाँ टू है, यहाँ हो जाएगा कॉस पहले ए प्लस बी वाला, तो अल्फा प्लस एक्स प्लस अल्फा माइनस एक्स, और बाई टू हो जाएगा, राइट है, और फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे, फिर प्लस आ जाएगा, कॉस कितना, अल्फा प्लस एक्स हो जाएगा, माइनस का अल्फा प्लस एक्स हो जाएगा, और बाई टू ही रहेगा, और यहाँ पे क्या चल रहा है, डी एक्स चल रहा है, तो मेरे ख्याल से क्लियर हो जाना चाहिए क्या हो गया। और यहाँ पर ब्रैकेट यहाँ लगाएंगे आप, तो यहाँ तो अल्फा अल्फा कैंसिल हो रहा है, और यहाँ एक्स और एक्स कैंसिल हो जा रहे हैं, हो गए ये, तो रियल में ये कॉस अल्फा बच गया यहाँ से, और उधर से कॉस टू एक्स बच गया, यानी एक्स बच जाएगा, क्लियर हो गया। तो जरा हम यहाँ देख लें क्या हो जाएगा, ये आई इज इक्वल टू बताएंगे कितना बच्चा, यहाँ से टू तो आउटसाइड में है, इसको टू को यहाँ लिख दीजिए, कॉस अल्फा बच जाएगा और प्लस कॉस एक्स बच जाएगा, और ये ब्रैकेट क्लोज हो गया और डी एक्स आ गया, तो मेरे ख्याल से देखो टू तो ऐसे है, तो कॉस अल्फा का क्या हो जाएगा, हैं क्या होगा, तो एक्स आएगा, तो एक्स लिख रहा हूँ मैं यहाँ, और कॉस एक्स का क्या होता है, साइन एक्स होता है, तो साइन एक्स हो गया और प्लस का सी हो गया, और यहीं पे आंसर हो गया, ये सिंपल सा क्वेश्चन है ये, चलिए रोक दीजिए इसको।